जनता पार्टी ने जब दिल्ली के लोगों से 2014 में संसद के चुनाव के लिए वोट मांगे थे तो उन्होंने वादा किया था, उनका पहला वादा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पिछले 5 साल में एक काम नहीं किया। बीजेपी वालों की सरकार बन गई, 5 साल मोदी जी पूरे दुनिया में घूमते रहे, 5 साल मोदी जी CBI का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके सबको दुखी करते रहे दिल्ली वालों को, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे वादे को पूरा नहीं किया। तो हम मोदी जी के इस घोषणा पत्र को यहाँ आग लगा रहे हैं और इस बार जो चुनाव होगा लोकसभा का 12 मई को, उसमें उस सपने को जो इन्होंने तोड़ा है उसको सच करने के लिए दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। कांग्रेस के कई नेता इस बार मिलके मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कांग्रेस में कई है टीम है कांग्रेस सर, और हरियाणा में जो JJP के साथ और कांग्रेस के साथ उस पे कोई अपडेट है क्या? और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था उस दिन जिस दिन घोषणा पत्र चलाया था परसों कि मोदी जी को इस वक्त हराना बहुत ज़रूरी है, ये देश को धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है वैसे ही पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। 5 साल में इन्होंने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट की कुछ नहीं किया, नौकरियां कम से कम होती चली गई हैं, नौकरियों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और कुल मिला के देश को लड़ाने की काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री से देश को मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी मैथमेटिक्स हो उसको साथ देना चाहिए। तो कोई डेवलपमेंट है?